दोस्तों सीटी फॉर्म में अगर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आपके पूरा समझ में आएगा। सबसे पहले आपको गूगल में सीटी दिखना है और जो सबसे ऊपर इसकी वेबसाइट आएगी यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। वेबसाइट पर आते ही आपको दिख रहा होगा अपडेट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, सबसे ऊपर ही आपको अक्सर चलते हुए दिखाई देंगे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अपडेट मोबाइल नंबर लिखा हुआ आएगा और इंटर यूअर फैमिली आईडी पीपीपी ऐसा लिखा हुआ आएगा। इस बॉक्स में आपको अपना फैमिली आईडी नंबर डालना है और डिस्प्ले मेंबर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डिस्प्ले मेंबर्स पर क्लिक करेंगे एक और ऑप्शन खुल कर आएगा जिसमें सिलेक्ट मेंबर नेम लिखा होगा, यहाँ पर आपको सिलेक्ट मेंबर नेम पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सारे मेंबर आपके सामने आ जाएंगे। इनमें से जिस भी मेंबर का आपने फॉर्म भर रखा है या जिसका मोबाइल नंबर चेंज करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। इस पर सेलेक्ट करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। जो आपका पहले से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा, आपको यहाँ पर ओटीपी डालना है एंटर ओटीपी में और वेरीफाई ओटीपी कर देना है। वेरीफाई ओटीपी करते ही आपके सामने आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर न्यू मोबाइल नंबर लिखा है, यहाँ पर आपको न्यू मोबाइल नंबर डालना है और अपडेट पर क्लिक करना है। अपडेट पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर ये पॉपअप विंडो आएगी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वांट टू अपडेट, आपको ओके कर देना है। ऐसा करते ही आपका मोबाइल नंबर है वो अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आपको अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हर संभव सहायता हम करने की कोशिश करेंगे। लगातार अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा।